वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, पाठ विच बड़ी ताकत है। गुरबाणी सानूं शक्तिशाली भी बनाउंदी है। पुराने महापुरख जो बंदगी वाले ने उन्होंने कुछ गल्लां कहियां ने जो मैं तुहाडे नाल अज सांझियां करन जा रहा। यह कुछ गल्लां तुहाडे जीवन विच एक नवा बदलाव लियाउणगियां। गुरु प्यारिओ, ब्रह्म कवच बाणी रख्या करन वाली बाणी है, आत्म रख्या लिए बाणी है। जो इस बाणी नूं पढ़दे ने उह जाणदे ने कि इस बाणी विच किन्ना रस लुकिया होया है। शस्त्र नाम बाणी है दसम ग्रंथ की। जिन्हें शस्त्र नाम बाणी दे 41 जाप रोज कर ले ने ना, वो जो भी मुँह कड्डेगा पूरा होएगा। एक गुरु प्यारे ने शस्त्र नाम बाणी पढ़नी शुरू कर दिती। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब की भी पढ़िया करे ते ब्रह्म कवच का पाठ भी करिया करे। एक महीना जदों लगातार उसने पाठ किया तो उहदे विच अद्भुत जिहियां शक्तियां आ गईयां। उसने जो भी गल कह देनी वह पूरी हो जानी। एक बार उसकी माँ ने गुरु ग्रंथ साहिब बारे कुछ गलत कह दिता तो उसने कहा कि माँ, तुहानूं अज ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शक्ति बारे पता लग जाएगा। शाम तक उसकी माँ नूं अधरंग की शिकायत हो गई। उसके मूँह जो भी निकलता सी पूरा हो जाता सी। गुरु ऐसा शक्तिशाली है, कईयां नूं इह गल्लां ते विश्वास नहीं होएगा। पर कदे सोच के देखियो, जंग दे मैदान विच जो सिख लड़े सी वो अपने वर्गे होणगे। जे उहनां विच शक्तियां सी, परमात्मा दा बख्शिया बल सी, तां ही उह 40 सिंघ 10-10 लख नाल लड़ पए सन। पर अज साडे विचों कई ऐवें दे ने जो कहिंदे ने 40 सिंघ 10-10 लख नाल किवें लग गए। बाणी पढ़न वाले सन, गुरु ते भरोसा सी उन्हां दा, वह गुरु के सच्चे सुचे सिख सन। इस करके उन्हां विच बहुत बल सी। जो गुरु प्यारे गुरबाणी का पाठ वध तो वध करते ने उन्हां नूं आउण वाले समय बारे भी सब पता लग जांदा है। इन्नी ताकत है बाणी दे विच। महापुरखां ने कहा सी कि आउण वाला समा बहुत भयानक होएगा। कि हुण उह समा नहीं, अज जो समा चल रहा है। इसलिए गुरु प्यारिओ, ब्रह्म कवच का पाठ जरूर करिया करो। ये रखिया दे शब्द ने। इस पाठ नूं करन नाल सारे डर भय दूर हो जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।